प्रदेश भर में कल रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसको लेकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लोगों की सुबह से भीड़ उमड़ रही है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर मेले जैसा माहौल नजर आ रहा है। पैसेंजर की बढ़ती भीड़ को देखकर रेलवे और राजस्थान राज्य परिवहन निगम की ओर से व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद कर दी गई हैं। हमारे संवाददाता मलखान मीणा की रिपोर्ट देखिए। पर्व कल बड़े धूमधाम से प्रदेश में मनाया जाएगा, लेकिन इस वक्त जयपुर राजधानी के बस स्टैंडों पर यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। इस वक्त मैं जयपुर राजधानी के नारायण सिंह सर्किल पर हूं, जहां पर यात्रियों की भीड़ का नज़ारा देखा जा रहा है। सुबह से ही लगातार यात्रियों की भीड़ का नज़ारा यहां नजर आ रहा है। एक बार मेरे कैमरामैन सहयोगी मुकेश मीणा से कहूँगा कि तस्वीरें दिखाएँ कि किस तरह से यहाँ पर यात्री इंतजार कर रहे हैं कि बस कब आए, कब बस में बैठें और कब बस बैठ के अपने घर पहुंचें, क्योंकि देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ का नज़ारा है। सुबह से ही लगातार बसों में भीड़ नज़र आ रही है। ऐसे में रक्षाबंधन का पर्व कल है, लेकिन आज से ही जो यात्री हैं वो लगातार अपने घर के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये सुबह से ही भीड़ नज़र आ रही है। हालांकि देखिए, बड़ी चीज़ ये भी है कि जो यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी की गई है। दूसरी तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे कि यात्री इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी बस आएगी, कब हम बैठ के जाएंगे, तो ये तस्वीरों से साफ ये जाहिर हो रहा है कि यात्रीगणों को काफ़ी असुविधाएँ हो रही हैं, क्योंकि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बस का इंतज़ार भी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि जिस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि बातचीत कर लेते हैं, कुछ यात्रियों से बातचीत कर लेते हैं कि ये कहाँ जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे आप लोग? थानागाजी। बस का कर रहे हैं, रोडवेज। कितना हो गया? 2 घंटे हो गए, 3 बजे से बैठे। हाँ, नहीं मिली, नहीं रही सीटें, नहीं मिली। आप कहाँ जाएंगे? सापरा। अच्छा, कैसे बैठे हैं? बस का इंतजार कर रहे हैं। देख सकते हैं कि जिस तरह से जो बस स्टैंड है उस पर यात्री परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सुबह से ही लगातार यहाँ पर भीड़ देखी जा रही है, यात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। हर बस जो भी यहाँ आ रही है वो बिल्कुल पूरी तरह से भरी हुई आ रही है, खचाखच आ रही है। हालांकि प्राइवेट बसों की अगर बात की जाए तो कहा जा रहा है कि किराया बढ़ा दिया गया है, मन मर्जी का किराया वसूल किया जा रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरह से जो तमाम तस्वीरें हैं उस तस्वीरों से साफ ये बयां हो रहा है कि यात्री की संख्या ज़्यादा और बसें कम आने से पूरी तरह से यात्री परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में पूरी तरह से आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार सुबह से ही भीड़ का नज़ारा यहां पर देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अलग बसों की भी व्यवस्था की गई है, लेकिन फिलहाल जिस तरह के इंतज़ार कर रहे हैं यात्री, आप देख सकते हैं कि तमाम जो कहाँ से आए? यहीं से, जयपुर से। कहाँ जा रहे हैं? दौसा। कैसे कब से इंतजार कर रहे हैं? बहुत देर हो गई। बसी नहीं है, प्राइवेट बसी। रोडवेज तो बसी नहीं है, प्राइवेट है। प्राइवेट वाले 200-300 मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। 200 मांग रहे हैं, 300 मांग रहे हैं। दौसा के 300। दौसा के 300 रुपये। मनवर्जी का हैं कि बिल्कुल जिस तरह से रक्षाबंधन के पर्व पर लगातार जिस तरह से ये जो चीज़ें देखा जा रहा है कि बसें नहीं मिल रहे से यात्री परेशान होते हुए नजर आ रहा है। कैमरामैन मुकेश मीणा के साथ सचमेदड़क से मलखान।